Please do subscribe Madhav Ki Pathshala YouTube channel and press bell icon. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माधव की पाठशाला में। मैं संदीप कुमार आज एक नया फिर टॉपिक लेकर आया हूँ, सर्वनाम। तो सर्वनाम होता क्या है, आज हम सही तरीके से पढ़ेंगे, डिस्कस कर रहे हैं सर्वनाम के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो हमारी संज्ञा के ऊपर बन चुकी है। तो सर्वनाम, सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जब कभी हम एक व्यक्ति का जिक्र अपनी बात या लेख में बार बार करते हैं, जब कभी हम एक व्यक्ति का जिक्र अपनी बात या लेख में बार बार करते हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखते हैं। यदि बार बार उसका नाम लिखेंगे तो भद्दा सा लगेगा, और इसी कारण हम वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें मैं, तू, तुम, आप, ये, वे आदि शब्द जो हैं सर्वनाम होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ हम दिए गए हैं, यहाँ पर उदाहरण हैं जिनको वाक्य हम देख सकते हैं कि विकेश हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसकी आयु 18 वर्ष है, वह ईमानदार और होनहार लड़का है, उसके माता पिता उससे बहुत प्रसन्न हैं। तो यहाँ पे हम बात करें सर्वनाम की, जैसे विकेश, उसकी, वह और उसके, तो ये सर्वनाम के तौर पर यूज हुए हैं। ऊपर दिए गए इन वाक्यों में विकेश एक संज्ञा शब्द है, विकेश जो है वो तो संज्ञा शब्द है, लेकिन उसकी वह उसके जो है पहले वाक्य में जो संज्ञा का प्रयोग हुआ है और अगले वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम का मतलब ही होता है कि नाम की जगह पे, किसी नाम की जगह पे प्रयोग करना। दूसरी बात को, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वही क्या होते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम कहें उसकी, वह, उसके, उससे शब्द जो है ये सर्वनाम है। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाली छोटी सी डेफिनेशन है परिभाषा इसकी सर्वनाम की, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले बोलने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले बोलने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुमने, वह शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, राहुल बोल रहा था वह भी आज मुंबई जाएगा। तो यहाँ मैं और वह जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तौर पर प्रयोग किए गए हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जो कि सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने हर पॉइंट को लिखवाया है, यहाँ पे हर पॉइंट को हमने लिखा है, इसलिए आई थिंक आप बच्चों को यह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उत्तम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, हमने कहा बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम, जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन की बात होती है, वही है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम आदि, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम सब भला चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं और हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पेपर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, तो केवल 2 चीज़ें, मैं और हम, जो कि इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन ही होते हैं, आई और बी। अब बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, तो बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए करते हैं, बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करते हैं उसे ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे तू और तुम आदि, एक एग्जाम्पल, तुम कल क्या बोल रहे थे, तुम उस समय कहाँ थे, तो तुम जो है या तू ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा थर्ड पर्सन की बात करें या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे वह, वे, उसका, यह, ये, उनका, उन्होंने आदि, ये जो हैं हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उन्होंने, इस एग्जांपल उदाहरण, उन्होंने तो कल आना था या उनको तो कल आना था, मैं उनका संदेश तुम्हें देने आया हूँ। यहाँ पर होना चाहिए था उन्हें तो कल आना था और मैं उनका संदेश तुम्हें देने आया हूँ। तो यहाँ पे उन्हें और मैं जो है सर्वनाम के तौर पर यूज हुआ है, और वो भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आता है दूसरा निश्चय वाचक सर्वनाम, जहाँ फिर निश्चय हो, बिल्कुल क्लियर हो, डेफिनेट हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, जिन सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का या घटना के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या घटना के लिए किया जाता है, उन्हें ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बात करें हम उदाहरण के तौर पर, ये मेरा घर है, वे मेरा पेन है, या ये मेरे छोटे चाचा जी हैं। तो यहाँ पे यह, वह, ये जो है, इन वाक्यों में यह, वह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक, जहाँ पे क्लियर ना हो। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध ना हो, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिल्ली से कुछ लेते आना, दाल में कुछ पड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। यहाँ कुछ जो है वो अनिश्चित है, क्लियर नहीं है। तो इन वाक्यों में कुछ और कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पेपर में बहुत बार ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। एग्जाम्पल दिया रहेगा, ऑप्शन दिए रहेंगे कुछ, जहाँ पर क्लियर ना हो, कुछ हुआ, कोई हुआ, तो जो होते हैं ये हमारे सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब आता है संबंध, जहाँ पर संबंध सर्वनामवाचक क्या होते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के लिए या दूसरे सर्वनाम के शब्द के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसा काम वैसा दाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो इन वाक्यों में जैसा, वैसा और जो, सो आदि जो हैं, ये संबंधवाचक या संबंध वो सर्वनाम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे है, तुम्हारा क्या नाम है, और ध्यान रहे कि प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगा होगा वाक्य में, प्रश्नवाचक का जो चिन्ह जरूर लगा रहेगा। जैसे कौन रो रहा है, तुम कितने भाई बहन हो, तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है निजवाचक सर्वनाम, निज में जहाँ पे रिफ्लेक्सिव, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि निजवाचक यहाँ दिखाया गया, जो अपना सा दिखाया गया, स्वयं का या खुद का। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, उन्हें ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहो, मैं स्वयं दिल्ली जाकर इस समस्या का हल करूँगा, या मैं अपने आप पत्र लिखूँगा, या मैं अपना काम स्वयं करूँगा। तो इन वाक्यों में स्वयं, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये कर्ता के लिए प्रयोग हो रहे हैं। याद रखें कि आप शब्द का प्रयोग जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और ये आप, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भी भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरीके निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। और हाँ, इस चैनल माधव की पाठशाला के चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माधव की पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन।